नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कि आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपका आधार कार्ड गुम हो जाता है या किसी कारण से आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप बड़ी आसानी से एक मिनट में इस तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल के ब्राउजर में जाके सर्च करना है UIDAI। जब सर्च करेंगे तो अगला पेज ओपन हो जाएगा, ऊपर ही ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, हिंदी या इंग्लिश कर लेंगे। मैं इधर इंग्लिश कर लेता हूँ। और आपको आधार कार्ड की कई सारी सेवाएं ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ऐड हटा देना है और इधर आपको देखना है कि डाउनलोड आधार, डाउनलोड आधार के ऑप्शन को ओके करेंगे तो अगला पेज में लेके चला जाएगा। यहाँ पर अगला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे आप नीचे जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको देखना है कि डाउनलोड आधार, आपको डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे ओके कर देना है। मैं ज़रा डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर ओके कर देता हूँ। जैसे ही डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर ओके करेंगे, यहाँ पर अगला पेज में आप चले जाएंगे जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर, यहाँ पर आप देखेंगे आपका आधार नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा। मैं इधर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ। मैंने इधर अपना आधार नंबर डाल दिया है और इधर कैप्चा कोड डाल देता हूँ। जैसे ही कैप्चा कोड डाल के सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। तो यहाँ पर आपको OTP डाल के और वेरीफाई डाउनलोड पे ओके कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई डाउनलोड पे ओके करेंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कन्फर्मेशन भी आपको दिखाएगा, ये सक्सेसफुल, आपका आधार कार्ड सक्सेसफुल डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों डाउनलोड होने के बाद आप इसको कहाँ देख सकते हैं, तो वो आपको अपने PDF में मिलेगा, मोबाइल के PDF में। तो दोस्तों कई बार क्या होता है, लोग बाग अपने PDF को ओपन नहीं कर पाते, उसमें पासवर्ड मांगता है, तो लोगों को दिक्कत आती है। इसलिए मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आपको ओपन करना। तो इधर आप अपने मोबाइल में PDF ओपन कर लेंगे और फाइल में जाएंगे, देखेंगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो रखा है। लेकिन जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, इसमें पासवर्ड मांगेगा। आप दोबारा देखिए, जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि उसमें पासवर्ड डला हुआ है। बिना पासवर्ड के आप इसको ओपन नहीं कर सकते। आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको इधर कुछ नहीं करना है। आपको अपने नाम के फर्स्ट के 4 लेटर कैपिटल लेटर में इसमें डाल देना है। कोई पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, आपको कैपिटल लेटर में अपने नाम के फर्स्ट के 4 अंक डाल देने हैं और आपकी जो जन्म तिथि है वो लास्ट वाली ईयर वो 4 अंक डाल देने हैं। मान लीजिए आपका 1995 में जन्म हुआ है तो 1995 डाल दिए। आपका नाम जो फर्स्ट है उसके 4 अंक डाल दिए। तो फर्स्ट में आप अपने कैपिटल लेटर में डालना, कैपिटल लेटर में डालना है। तो इधर मैं अपना कैपिटल लेटर में अपना 4 अंक का नाम डाल देता हूँ और अपनी जो जन्म तिथि है वो लास्ट के जो 4 अंक है ईयर वो डाल देता हूँ। जैसे ही उसको डाल के ओके करेंगे, देखेंगे इधर आप, मेरा ये आधार कार्ड ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और PDF को ओपन करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।